हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीक में XAU/USD यानी गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है, इस वीक गोल्ड कहाँ ट्रेड कर सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है, कहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम मार कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 4H में किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्या सेटअप बन रहा है आगे वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी इस तरीके से एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रीवियस वीक गोल्ड में कहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क किया और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, ताकि हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए। दोस्तों, ये प्रीवियस वीक का ड्रॉइंग है जो कि आप देख पाएंगे। प्रीवियस वीक मार्केट में जो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क किया था, मार्केट ने बहुत अच्छे से उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, जो लेवल हमने मार किया उसी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया। जैसे कि आप देख पाएंगे प्रीवियस वीक ये वाला रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमने मार किया था, जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी। चार्ट को अगर थोड़ा हम जूम करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा। देखिएगा, जब मार्केट यहाँ से डेट के साथ आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पे ये वाला रेसिस्टेंस हमने मार किया था। ये रेसिस्टेंस क्यों मार किया था, क्योंकि हमने देखा मार्केट ने इस लेवल को देखो सपोर्ट लिया है, इंस्टेंट मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर रही है, रेसिस्टेंस ले रही है। तो हमारा व्यू था कि मार्केट रेसिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन कर सकती है। कहाँ तक रिजेक्शन कर सकती है, ये सपोर्ट के आसपास। अब ये वाला सपोर्ट हमने क्यों मार किया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रीवियस टाइम यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया, इसके बाद रेसिस्टेंस से रिजेक्शन, कहाँ तक, सपोर्ट जोन तक। देखो आप, मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लेने के बाद सपोर्ट को ही कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो ये तो था दोस्तों प्रीवियस वीक का हमारा रेसिस्टेंस, और ये था सपोर्ट एरिया जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आज भी हमें 4H के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। इस वीक में क्या सेटअप दिखाई दे रहा है, वीडियो में आगे डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे इस वीक में डेली टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बन रहा है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मार्केट का अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं मार्केट बहुत अच्छा एक हैवी अप ट्रेंड में है। मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई लगाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। दोस्तों, हायर हाई लगाने के बाद देखो मार्केट ने एक हायर लो लगाया इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास। तो अभी मार्केट का बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ध्यान देना होगा मार्केट जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, जब तक ये वाला सपोर्ट ब्रेक डाउन ना करे, तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस सपोर्ट को, इस लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो अभी देखा जाए तो मार्केट का एक अप ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। अभी 4H के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं क्या सेटअप बन रहा है। दोस्तों, 4H के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक सेटअप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या सेटअप बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे। ट्रेंड लाइन मार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो, इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे। दोस्तों देखो कितने अच्छे से ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क करती हुई आपको नजर आएगी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, अगेन देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन के साथ में अगर यहाँ से हम चैनल को मार करते हैं तो आपको और भी अच्छे से यहाँ से समझ में आएगा। देखिए, मार्केट इस चैनल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल चैनल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। पैरेलल चैनल का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद देखो यहाँ से पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन है इसको देखो कितने अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन मार्केट पैरेलल चैनल का जो रेसिस्टेंस लाइन है, मिडिल लाइन है, इस लाइन के आसपास आया, फिर से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया। तो अभी देखा जाए तो बहुत अच्छा ये एक पैरेलल चैनल के अंदर गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना अच्छा सेटअप बन रहा है और कैसे यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना चाहूंगा मैं। देखिएगा यहाँ पे अभी ये पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है, लेकिन इसके साथ में अगर हम एक सपोर्ट एरिया मार करते हैं, ये देखिए सपोर्ट एरिया मार करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट है जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे
से टाइम स्पेंड किया है, सपोर्ट भी लिया है, जैसा कि आप देख पाएंगे आगे आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। तो ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेवल की बात करते हैं यहाँ से, कौन सा लेवल है, 2292.253 एंड 2276.009 का ये एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, अगर इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो फिर यहाँ से गोल्ड एक डाउनफॉल करती है। ठीक है, कहाँ तक डाउनफॉल कर सकती है, किस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो जिस लेवल को मार्केट प्रीवियस टाइम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लिया हो, रेसिस्टेंस लिया हो, उस एरिया को यहाँ पे हमें एज ए सपोर्ट मार्क करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो लेवल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट भी लिया है और रेसिस्टेंस भी लिया है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन रेसिस्टेंस आया, रिजेक्शन आया, ठीक है, इसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जैसा किया, इसके बाद देखो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिखा है। तो ये वाला जो लेवल है ना प्रीवियस टाइम मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, आगे के लिए हम इसी जोन को, इसी लेवल को एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा एरिया ऐसा करके हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा एरिया बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिएगा ये सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करती है मार्केट तो ये सेकेंड सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेवल की बात करते हैं 2222.340 एंड 2195.620 का ये सेकेंड सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है। ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है, सेकेंड कंडीशन अगर मार्केट ने इस लेवल को अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अगर फिर से यहाँ से बुलिशनी शो किया तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट अगेन इस रेसिस्टेंस लाइन तक भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल चैनल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। जब जब मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रही है, पैरेलल चैनल का मिडिल लाइन से रेसिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया पैरेलल चैनल का, देखो पैरेलल चैनल का रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर इस बार सपोर्ट लिया तो फिर ये जो पैरेलल चैनल का रेसिस्टेंस लाइन है, अपर लाइन, इस लाइन के आसपास हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से लेवल की बात करते हैं, ये लेवल कौन सा है, 2375.000 के आसपास ये जो रेसिस्टेंस है ना, इस रेसिस्टेंस तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से प्रॉपर हमें इंतजार करना चाहिए, ठीक है, सेटअप के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट को तो रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। रीटेस्ट के बाद यहाँ से बैरिश कैंडल बनती है और बैरिश को कंफर्मेशन आपको मिलता है तो फिर यहाँ से आप सेकंड सपोर्ट के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल के आसपास गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके से दोस्तों इस वीक में हम गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीक में गोल्ड में क्या सेटअप बन रहा है और किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।